दीपक, आप जहां पे मौजूद हैं, हम जहां तक भी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल की तैनाती है वहां पे। अब क्या पुलिस की टीम किसी आरोपी के घर के अंदर गई है अभी पूछताछ करने के लिए? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टीमें हैं वो एक नहीं बल्कि दर्जनों टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं, अलग अलग यूनिट की टीमें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी टीमें जो हैं अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शुरू हो चुकी हैं। चाहे वो अभी जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी उसको लेकर पुलिस के अंदर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि पत्थरबाजी और अपराधियों का सामना करना पुलिस का एक प्रोफेशन है और उनके ऊपर उनको रोकने के लिए हमेशा इस तरह के अपराधी जो हैं या उनके परिजन इस तरह से कवायद करते हुए हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट जिस तरह से है पुलिस का वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जिले की पूरी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है, आरएएफ यहाँ पर पहुंची हुई है, महिला पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। साथ ही इस इलाके में देखिए पुलिस अधिकारी लगातार टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। कोशिश सबकी यही है, क्योंकि ये वो चौक है जहाँ से इस जगह से ये जुलूस आया था और यहाँ पर आप उधर दूर आप देख सकते हैं वहां पर भी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें आज सुबह यहाँ पर पहुंची थी और उसके साथ ही यहाँ पर इस जगह पर जुलूस यहाँ पर पहुंचा था, इसी जगह पर पत्थरबाजी की गई थी। तो ये सभी एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट करने हैं, चाहे पत्थर और उसके साथ ही केमिकल जिनसे आगजनी की गई थी, और साथ ही पुलिस बल के साथ साथ जो यहाँ पर दूसरे लोग हैं उन लोगों को रोका गया है। कोशिश ये की जा रही है कि उन लोगों को घर के अंदर रखा जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में कोई परेशानी ना हो। जावेद भी मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, आपके पास कोई नई तस्वीर इस वक्त और अभी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो क्या किसी आरोपी के घर पे पूछताछ करने के लिए गई है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, क्राइम ब्रांच का ये पूरी जांच की प्रक्रिया सुबह से चल रही है, लेकिन अभी जो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, फिलहाल जो सीडी पार्क रोड है जहां से थोड़ी दूरी पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया था, अब इसे खाली करा लिया गया है। यहां पर मीडिया कर्मी थे, यहां अब ये कैंप लगा दिया गया, आरएएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबको यहां से हटा दिया गया है और देखिए ये बैरिकेड अब एक तरह से ये बंद कर दिया जाएगा रास्ता, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि आवाजाही यहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब जब से ये पथराव हुआ है अब पूरी तरह से बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए गए हैं। अब मीडिया कर्मियों को भी यहां से हटा दिया है और ये अब जरा माहौल देख लीजिए, ये जो कुशल चौक इसको कहा जाता है, ये जहांगीरपुरी का जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर पथराव हुआ था, जो वायरल वीडियोस में आपने देखे होंगे, यहां पर भी इस पूरे इलाके को यहां देखिए कॉर्डन ऑफ किया है पुलिस ने, ये तस्वीर देख लीजिए, और इस तरफ भी कैंप लगाए हुए हैं जहां पुलिसकर्मी तैनात है। और देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट, में एक और बार फिर दिखाता हूं, ये दो दिन से इतना हैवी इस तरफ नहीं था, अब यहां पर देखिए जवानों की तैनाती, पुलिसकर्मी जो है उनकी तैनाती यहां बढ़ गई है, क्योंकि इस रोड पर हर गेट के बाहर, हर गली के बाहर दो दो तीन तीन पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल के जवान बैठे थे, लेकिन अब जब टीम पर पथराव हुआ है तो यहां पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं और पुरुष पुलिसकर्मी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। उनका डिप्लॉयमेंट इस तरफ बढ़ा दिया है जो सीडी पार्क को रास्ता जाता है और सी ब्लॉक की तरफ, जहां लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है, संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए जा रही है, और सुबह से ये कार्यवाही चल रही थी। फिलहाल अभी यहां से और दीपक में आप दोनों का रुख करूंगी इस बड़ी खबर पे। ये बड़ी तस्वीर है आज की, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पे आज एक बार फिर से हमला बोला गया, पत्थरबाजी की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पथराव, हिंसा के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी, मौके पर आरएएफ की टीम तैनात, फिलहाल हालात सामान्य। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान, अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी, 3 हथियार बरामद, सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस की नजर। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पेशी आज, दोनों पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप, मामले में पुलिस ने अब तक 2 नाबालिग समेत 23 लोगों को पकड़ा। मंडराने लगा, हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं।
पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं, जिसे रूस की भाषा में चिगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन में पिछले 50 दिनों से भीषण जंग चल रही है जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने के लिए राजी है। और इन सबके बीच पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वहां चेचन्या की मीडिया को भी मैदान में उतार दिया है, ताकि रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के जिस भी इलाके पर कब्जा जमाए उसकी जानकारियां दुनिया के सामने पहुंचाई जा सके। ज़ेलेंस्की पर सरेंडर करने के लिए या यूं कहें कि उन्हें रूस के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। चेचन्या पर राज करने वाले रमजान कादिरोव रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सबसे भरोसेमंद है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन पर हमला करने के कुछ दिनों बाद ही पुतिन ने कादिरोव को जंग के मैदान में उतार दिया था। दावा ये किया गया कि पुतिन ने कादिरोव को मारियुपोल शहर पर कब्जे का आदेश दिया था। ये भी दावा किया गया कि पुतिन ने कादिरोव को तबाही मचाने की खुली छूट तक दे दी थी। पुतिन के इस आदेश के बाद चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर मारियुपोल शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। आसमान से लेकर जमीन तक इतनी भीषण जंग लड़ी गई कि एक आबाद शहर देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट गया। बाद में कादिरोव के तरफ से ये दावा भी किया गया कि उसके लड़ाकों ने मारियुपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को पीछे धकेल दिया। मतलब ये कि चेचन लड़ाके अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मारियुपोल पर कब्जा नहीं जमा सके। जबकि पूरी दुनिया में कादिरोव के लड़ाके बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं, क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द तो इनके लिए छोटे हैं, क्योंकि जिस भी इलाके में चेचन लड़ाकों ने जंग के मैदान में